गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज डिस्कोर्सिस 2 चालू कर रहे हैं। 1 की 25 मीटिंग हमने इतने समय में देख लिया था, आज 2 की शुरुआत करेंगे। पर इससे पहले एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं कि जो ज़्यादातर बहुत लोगों के मन में होता है, बहुत लोग खास करके धार्मिक आध्यात्मिक लोग कंप्लेन भी करते हैं कि भाई आजकल जो पूरी दुनिया में जो एक केओस है, एक जो अफरा तफरी मची हुई है, एक जो इतना सारा जो कभी नहीं था इस तरह का माहौल बन गया है, इतना वायलेंस है, इतनी सारी गरीबी है, तकलीफ है, सब कुछ है, क्या नहीं है इस समय के अंदर, और इतनी बुराइयाँ भी इतनी सारी फैली हुई है। तो कई बार हमें प्रश्न उत्पन्न होते है कि भाई ये क्या है, क्यों ये, क्या कोई भगवान ईश्वर प्रकृति जैसा कुछ है कि नहीं, ये क्यों होने देता है। खास करके जब हम देखते हैं कि कोई अच्छा आदमी को, कोई जो अच्छा इंसान है उसको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है या उसको अन्याय होता है, तब हमें खास ऐसा विचार आता है कि भाई ये क्यों, ये कुदरत, ये प्रकृति ऐसा होने देती है। तो और फिर कई लोगों का तो ये विश्वास ही उठ जाता है कि भाई कोई कुदरत कुछ न्याय जैसा कुछ है ही नहीं, सब जगह अन्याय ही है। देखो जो बदमाशी करता है वो ऊपर उठ जाता है, और जो लोग अच्छी तरह जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं वो लोगों को ज़्यादा सहन करना पड़ता है। ये सब हम देखते भी हैं दुनिया में, तो थोड़ी कई लोगों की श्रद्धा भी डगमगा जाती है। पर जब तक हमें फंडामेंटल कुछ नियम नहीं समझते तब तक ऐसे प्रश्न होते रहेंगे। हकीकत ये है कि ये सब सारा कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो सृष्टि जो है, ये सृष्टि का जब खेल रचा गया तब से ये सारी चीज़ें कुछ नियम के रूप में बन गई थी। अब हम जानते हैं थोड़ा कॉस्मोलॉजी तो कि भाई ये हमारा आत्मतत्व है, जब उसको यहाँ तीनों लोक में आना था तो प्रकृति ने पहले ये तीनों लोक की रचना की, और जब उसके समय ही कुछ नियम बन गए और रचना की, उसके अंदर एक बात ये थी कि ये जो जगत बनेगा वो द्वैत के ऊपर आधारित होगा। द्वैत का मतलब दो चीज़ पैर, जैसे कि सुख और दुख। तो इस तरह जो चीज़ है वो इसका एक नियम बन गया था कि भाई ये तो एक प्रकृति का नियम कि ये सुख है तो साथ साथ में दुख भी आएगा ही, दुख है तो फिर बाद में सुख भी आएगा। तो इस तरह जो है, इस तरह जिसको हम बुरा कहते हैं, अगर अच्छा है तो फिर बुरा भी होगा ही ना, क्योंकि द्वैत है। अगर सृजन के अंदर ये नियम है, सृजन के अंदर दो चीज़ होनी चाहिए, तो सिर्फ अच्छा ही कैसे हो सकती है। तो फिर ये गेम कोई चालू ही नहीं होगी, ये गेम का कोई मज़ा ही नहीं होगा। तो डिवाइन फ्रेगमेंट जो नीचे उतरा आत्मतत्व, तो उस समय ये तय हुआ कि इस खेल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कड़क नियम बनाया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफें दी जाए, कष्ट दिया जाए, इतना कष्ट देना है। क्योंकि एक बात तो ये है कि ये जो डिवाइन फ्रेगमेंट है ये डिवाइन होलनेस का अंश है, मतलब जिसको हम परम तत्व कहते हैं, परम तत्व का ही ये अंश है, परमात्मा का एक अंश, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो ये परमात्मा और आत्मा कोई ऐसी सस्ती चीज़ नहीं है कि भाई ये गेम में उतरे और थोड़ा दुख सहन कर लिया, थोड़ी गेम को खेल लिया और फिर चलो ये नाटक समाप्त, अब जाओ वापस फिर जहाँ से आए थे वहाँ, हमारा सेलेस्टियल होम या जनरल लोग। तो ये नहीं है। तो इसलिए कि आत्मा इतनी ऊंची चीज़ है, और इसके लिए अगर इसको आपको प्राप्त करना है तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो हम इन्वोल्यूशन के नीचे आते थे उस समय, जो हमने नुकसान किया था ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को, उसको फिर सब कुछ हमें रिडीम करना पड़ता है, और ये रिडीम करने के लिए बहुत लंबा समय जाता है। तो ये गेम इस तरह बनी है
इसलिए तो ये तो प्रकृति ने, जिसको हम बुरा कहते हैं तो प्रकृति के लिए कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, प्रकृति तो न्यूट्रल है। हमें अच्छा और बुरा लगता है तो जो बुराई हमें लगती है वो प्रकृति द्वारा निर्मित की गई है, और ये गेम के लिए ये जरूरी था कि दो चीज़ होनी जरूरी है, इसीलिए ये बुराई जो है वो तो पहले से चली आती है आ रही है। ऐसा कोई युग नहीं था कि जिसमें कोई 100% अच्छाई थी, हर समय के अंदर अच्छाई के साथ में बुराई, हाँ उसका रेशियो उसका प्रमाण अलग अलग हो सकता है, पर हर समय ये अच्छाई के साथ बुराई तो थी ही थी। तो इसलिए फिर ये सवाल उत्पन्न नहीं होता है कि भाई ये बुराई क्यों है और ये नहीं होनी चाहिए और इसके उसके लिए भगवान क्या कर रहा है, लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है और भगवान कुछ देखते नहीं है। ये थोड़ा अगर सच कहे तो ये थोड़े चाइल्डिश सवाल है, बालिश सवाल है, क्योंकि हम ये नियम जानते नहीं है इसलिए हमें ऐसे विचार आते हैं। ठीक है, विचार ये आ रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, पर हमें अगर ये पूरा खेल का अगर हमें डिज़ाइन पता है कि किस तरह ये खेल रचा गया तो फिर इस तरह के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार कर लो और सहते जाओ, अगर बुराई है तो उसको भी सहते जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुराई होगी, 100% होगी, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना है, इसके लिए आपको जो करना है वो आपकी स्वतंत्रता है, आपको आपके पास फ्री विल है और फ्री विल से आप जो चाहे वो ठीक कर सकते हैं, पर ये कभी भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि भाई ये कभी भी बुराई नहीं होगी। अच्छाई और बुराई साथ साथ चलेगी और चलेगी, तो ये अगर हम सब जब नियम समझते हैं तो फिर इतना दुख नहीं होता है, थोड़ा स्वीकृति का भाव आ जाता है। तो ये एक मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न उठा था, और अभी क्योंकि पर्पज़ ऑफ बर्थ एंड डेथ का हिंदी ट्रांसलेशन चल रहा है तो इसको मुझे लाइन टू लाइन फिर से पढ़ना पड़ता है, तो इसमें ये बात फिर से आई थी तो मुझे याद आया कि भाई ये सबके दिमाग में ये प्रश्न होता है अच्छाई बुराई का, तो वो तवरिया जी ने बहुत अच्छी तरह ये सारी चीज़ें द पर्पज़ ऑफ बर्थ एंड डेथ में क्लियर की हुई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब लास्ट टाइम हमने जो 25th मीटिंग के अंदर मनोयोग और प्राणयोग के बारे में देखा था, और मनोयोग के अंदर हमने देखा था चित्त की जिसको दो या तीन स्थिति कहते हैं, इस तरह की स्थितियाँ हमने देखी थी कि भाई एक तो चित्त की स्थिति ये है कि चित्त और मस्तिष्क ये एक इन्वॉल्वमेंट की स्थिति में है, दोनों एक चिपक जाते हैं, जो मस्तिष्क में चल रहा है उसके साथ में चित्त, जो UDM अंदर आया और चित्त बना, इंडिविजुअल माइंड बना, वो इंडिविजुअल माइंड जो है वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ चिपक जाता है, इसको इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में हमारी जो स्थिति होती है हर एक व्यक्ति की तो यही स्थिति होती है, एक इन्वॉल्वमेंट की स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि चित्त जो UDM हमारे अंदर आया उसकी प्रेजेंस में मस्तिष्क काम करता रहता है, मतलब कि अभी जो है वो चित्त और ये मस्तिष्क है दोनों थोड़े अलग हुए हैं, इसके अंदर सिर्फ उसकी प्रेजेंस है, वो इन्वॉल्व नहीं है, इसकी प्रेजेंस में अभी मस्तिष्क का काम कर रहा है और अच्छी तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकमिंग इम्पल्स जो है वो तालुका के अंदर उसका प्रवेश होता है, जिसको हम 3A की स्थिति भी कह सकते हैं। और तीसरी स्थिति, सबसे ऊँची स्थिति ये है कि जिसके अंदर ये अनइन्वॉल्वमेंट तो है ही, पर इसके अंदर तो इनकमिंग इम्पल्स जो है वो हमारे अंदर जा ही नहीं सकता, तालुका से अंदर के हिस्से में जाता नहीं है, तो इनकमिंग इम्पल्स तालुका तक पहुंचता है, फिर उसको दूसरा रास्ता लेके आगे आज्ञा चक्र के ऊपर आना पड़ता है और वहाँ से वो एंटर होता है। तो ये पूरी प्योर UDM की स्थिति है जिसके अंदर इनकमिंग इम्पल्स या इंडिविजुअल माइंड बन नहीं सकता है, ऐसी स्थिति ये जो है जिसको हम 3B की स्थिति भी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की हमारी स्थिति है, और हमारा लक्ष्य पहला ये है कि हमारा जो इन्वॉल्वमेंट की स्थिति है उससे किस तरह हम हर समय अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति में जाइए जा सके, तो हमेशा प्रयत्न हमारा साधक का ये रहना चाहिए
और इसके लिए ये सब 3 स्टेप वगैरह बनाया हुआ है कि हम इतना चिपक नहीं जाए, इतना अटैच नहीं हो जाए, कम से कम थोड़ा अटैचमेंट हमारा कम हो हर चीज़ के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जो घटना होती है उसके प्रति थोड़ा जो है हमारा अनइन्वॉल्वमेंट, डिटैचमेंट थोड़ा चालू हो जाए, इसके लिए ये जरूरी है। अब ये तीनों स्थिति को अगर योग सूत्र की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा, तो हम अभी इतने समय से ये सब कर रहे हैं तो योग सूत्र का भी हमें साथ साथ में अभ्यास करना चाहिए ताकि आप ये सब चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाओगे। तो योग सूत्र के अंदर पहला सूत्र तो अथ योगानुशासनम है कि भाई ये अनुशासन में अभी आना है और ये योग का अभ्यास करना है। उसके बाद में चित्तवृत्ति निरोध का दिया है, उसके बाद में जो दृष्टा है उसकी स्थिति दिया है और आगे वृत्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध है तो चित्तवृत्ति पहले क्या है वो समझना पड़ता है। तो 5 प्रकार की चित्तवृत्ति बताई गई है और उसका एक लक्षण बताया गया है, वो सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। सारूप्यम शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, सारूप्यम का अर्थ ही होता है एक रूपता। तो ये जो हमारे अंदर जो ये इनकमिंग इम्पल्स आता है और वो न्यूट्रल नहीं, जब न्यूट्रल नहीं रहता है वो सारूप्यम हो जाता है, एकरूप हो जाता है, तो वो इन्वॉल्वमेंट की स्थिति बन गई। तो ये जो तावरिया जी ने सब बताया है वही चीज़ योग सूत्र के अंदर भी है, वो कुछ दूसरी भाषा के अंदर है। तो वृत्ति सारूप्यम का मतलब ये कि वृत्ति सारूप्यम हो गई, एक रूप हो गई, इन्वॉल्वमेंट की स्थिति में आ गई। तो ये जो पहली स्थिति है हमारी नॉर्मल कोर्स के अंदर, ये स्थिति को यहाँ ये सूत्र में बताते हैं। फिर जैसे मैंने बताया इस तरह दूसरा सूत्र था योग की डेफिनेशन की, योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब क्या है कि चित्त वृत्ति का निरोध, वही योग है। अब चित्त वृत्ति का निरोध कब होता है, कौन सी स्थिति के अंदर होता है, कि जब अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति बनेगी तब जाके ये बनेगी ना, ये एक रूपता टूटेगी। तो जो 3B की स्थिति जब हम देखते हैं कि सिर्फ UDM है, इंडिविजुअल माइंड अब है ही नहीं, इनकमिंग इम्पल्स अंदर जा ही नहीं सकता, तब ये चित्तवृत्ति का निरोध होगा। चित्तवृत्ति अभी बन नहीं पाएगी क्योंकि चित्तवृत्ति बनने के लिए इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न का मिलन जरूरी है। यहाँ ये दोनों का मिलन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तालुका के आगे इनकमिंग इम्पल्स जा नहीं सकता, तो अपने आप में चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। तो जिसको हम 3B की स्थिति कहते हैं ये यहाँ हो जाता है। और जब ये होता है तो उसका परिणाम क्या आता है, वो तीसरा सूत्र में बताया है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो जो दृष्टु मतलब दृष्टा जो है, जो विटनेस है हमारा, जो तत्व आत्म तत्व है, या अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर दृष्टु जो है वो UDM बनता है और बाद में जो है हमारा जो रियल आई है या जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं वो हमारा दृष्टु है। तो ये जब 3B की स्थिति होती है तब वो दृष्टु जो दृष्टा जो है वो उसका वो अवस्थित होना, अवस्थानम, उसकी अवस्था में आ जाना, दृष्टा जो है वो अपनी अवस्था में आ गया है। वो कब होता है कि जब चित्तवृत्ति निरोध होता है, तो 3B की स्थिति के अंदर ये परिणाम हमें मिलता है। तो ऊपर की जो तन स्थिति हमने बताई वो तीनों स्थिति जो है वो ये योग सूत्र के अंदर भी इस तरह बताई है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे फिर आप ये दोनों चीज़ों को आप ये टैली करके समझ पाएंगे कि हाँ इसमें ये कहाँ है, तो योग सूत्र में ये क्या है करके, तो इस तरह आप समझ पाओगे। अब डिस्कोर्सिस 2 के ऊपर आते हैं, आज से शुरुआत करते हैं। तो पहले जो है वो मेरे पास तो पुरानी किताब है, उसमें पेज नंबर 8 के ऊपर 8 कुछ उन्होंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं जिसका हमें जवाब देना है। तो ऊपर उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ आंसर विदाउट रिफरिंग नोट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये इस समय इतने समय से हम 25 मीटिंग हमने देख चुके हैं, तो बहुत सारा हमने ज्ञान भी प्राप्त किया है, बहुत सारी समझ भी प्राप्त की है। तो उसके बेस के ऊपर उन्होंने 20 प्रश्न यहाँ डाले हैं और बिना 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और वो आपको कुछ रिफर नहीं करना है, वो फिर से वो
किताब देख के नहीं देना है, पर आपके अंदर कितना ये समाया हुआ है ये आपको चेक करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चनियर है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भाई हम जो सुनते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ काम करते हैं उसका कुछ मनन करते हैं कि भाई चलो लेक्चर ख़त्म, बात ख़त्म, कि ऐसा ही है, तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता चलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप सोचना, फिर मैं जवाब तो मैं दे ही दूँगा, क्योंकि मैंने होमवर्क आपके लिए ही किया हुआ है, तो ये मैं आपको बताऊँगा, पर आप साथ में सोचना। जैसे पहला प्रश्न है, इन डायग्राम वन द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर, तो डायग्राम वन का इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? अब आप ही सोचिए कि इतने समय से आप हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो डायग्राम वन के अंदर क्या है? सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आती है, तो आपको याद होगा कि जो चार केंद्र है IESM और उसका जो रेशियो है वो 2:4:8 का जो रेशियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर डायग्राम वन का है, क्योंकि वो सिर्फ डायग्राम वन के अंदर ही ये रेशियो बनता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन डायग्राम टू के बारे में बताया है कि डायग्राम टू का इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, क्योंकि अब ऊपर 2:4:8:2 आ गया तो आपको जल्दी याद आ जाएगा कि हाँ डायग्राम टू के अंदर 5:2:2:1 है, तो ये तो थोड़ा आसान सवाल हो गया। अब डायग्राम थ्री के अंदर भी कौन सा, डायग्राम 3A उसके अंदर कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो आप सोचिए अभी, और इसका जवाब तो मैंने अभी अभी ही दिया है, जो ये चिट की स्थितियों की बात की है उसके अंदर ही इसका जवाब है। तो 3A का क्या उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये होमवर्क करना पड़ता है इस तरह आपको, फिर खाली भूल जाओगे तो नहीं चलेगा। तो अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति जो है, अभी हमने बात की ना चित और ब्रेन की, तो जो अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति है वो 3A की अंदर है। 3:1 डायग्राम वन और डायग्राम टू दोनों के अंदर तो इन्वॉल्वमेंट की स्थिति है, 3A के ऊपर जब साधक पहुंचता है तब अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति आती है। अब चौथा प्रश्न, व्हाट इज थिंकिंग एज वी नो एंड व्हाई, क्या थिंकिंग क्या है आज की डेट में हमारे अंदर, जो थिंकिंग अभी भी आपके मन के अंदर आपका, आप कुछ विचार तो करते होंगे इस मोमेंट के ऊपर भी हम विचार करते हैं, तो क्या आप विचार करते हैं और वो किस प्रकार का विचार है, इसको क्या कहा जा सकता है? ये हमने पहली नोट के अंदर ही देखा था, जो फर्स्ट मीटिंग पेपर था उसके अंदर ही देखा था इसका जवाब। तो हमारा थिंकिंग क्या है, तवारी जी क्या कहते हैं उसको, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्रिया। हमारे अंदर रियल थिंकिंग तो अभी होता ही नहीं है, हमारा जो नॉर्मल थिंकिंग है वो तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, जो न्यूरल, एक न्यूरल प्रोसेस ही है, और उसके द्वारा जो अंदर रिएक्शंस, प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसको हम थिंकिंग कहते हैं। जबकि रियल थिंकिंग जो है वो जब चित्त जो है वो ब्रेन से थोड़ा अलिप्त होता है तब रियल थिंकिंग स्टार्ट होता है। तो ये जो है इसके अंदर अभी हमारी चित और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट की स्थिति है, और जिसके अंदर ब्रेन काम करता रहता है, और वो काम इस तरह करता है कि उससे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन जन्मते हैं, तो उसको हम थिंकिंग कहते हैं। व्हाट इज साइकिक नेचर इज एक्सप्लेन इन द नोट्स, अब ये शब्द शायद आपके लिए, कई लोगों के लिए नया होगा, साइकिक नेचर। तो साइकिक नेचर क्या है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक साइकिक नेचर जो है वो हमारे अंदर वो एस्ट्रल का पार्ट है, और वो एक प्रकार का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे अंदर एस्ट्रल के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो संस्कारों से बना हुआ है। मतलब कि ये साइकिक नेचर जो है हमारा बहुत पुराना है, और वो जन्मों जन्म ये साइकिक नेचर हमारा साथ में आता रहता है, क्योंकि संस्कार जो बनते हैं वो संस्कार का जो रहते हैं, जो एक पात्र है वो ये साइकिक नेचर है। तो संस्कार तो कैसे बनते हैं या साइकिक नेचर कैसे बनता है, कि जैसे कि कोई एक जन्म में हमने गुस्सा किया, फिर दोबारा किया, 3 बार किया, 5 बार किया, 25 बार किया, तो फिर ये एक हमारा संस्कार बन जाता है, और वो इस तरह
हमारा साइकिक नेचर जो है वो बनता रहता है। और एक दूसरा भी तावरिया जी बताते थे, लोअर साइकिक नेचर। तो हमारे अंदर जो एनिमलिक सेल्स है और एनिमलिक वृत्तियाँ होती है, पार्श्विक वृत्ति जो हमारे अंदर जो वायलेंस है और फिर और जो सारी गड़बड़ी है, पशु जैसी हमारी अंदर की स्थिति कभी बन जाती है, उसको तावरिया जी लोअर साइकिक नेचर कहते हैं। और ये दूसरा जो संस्कारों का जो पूरा एक फील बनता है उसको साइकिक नेचर कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना, नोट करके रखना, क्योंकि ये आगे की मीटिंगों के अंदर ये साइकिक नेचर शब्द भी आएगा। और ये जो साइकिक नेचर जो है वो हमारी जो मेमोरी है 3 और 3B उसके अंदर खास है। और 3B जो है वो जिसको कई लोग सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस भी कहते हैं, 3B जो मेमोरी पैटर्न है वो ये उसका साइकिक नेचर उसका हिस्सा है। अब तावरिया जी ने जो जैसे अभी हमने एक सूत्र देखा ना कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, तो उसका तावरिया जी ने इंग्लिश में क्या डेफिनेशन की थी कि उसके अंदर 2 शब्द इसमें आते हैं, एक इसमें भी साइकिक नेचर आता है, हीलिंग ऑफ साइकिक नेचर और कामिंग ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो चीज़ जो है वो योगस चित्त चित्त वृद्धि निरोध, चित्त वृद्धि निरोध के लिए क्या होना जरूरी है, तो कहते हैं कि जो हमारा साइकिक नेचर है उसका हीलिंग होना चाहिए, और दूसरा जो ये हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है या चित्त है उसका कामिंग मतलब शांत होना चाहिए। ये 2 चीज़ होती है तो चित्त वृत्ति निरोध हो सकता है। तो हीलिंग जो है वो साइकिक नेचर, क्योंकि साइकिक नेचर हमारा बहुत संस्कारों से भरा हुआ है और जख्मी है, वो घाव वाला है, उसको हील करना पड़ता है, इसलिए ये डेफिनेशन में कहा हीलिंग ऑफ साइकिक नेचर। तो साइकिक नेचर वहाँ भी शब्द आता है। अब आगे का प्रश्न है, व्हाट इज अटैचमेंट एंड इट इज बिटवीन बॉट, तो अटैचमेंट क्या है और किन चीज़ों का अटैचमेंट होता है, और इससे विपरीत डिटैचमेंट, तो डिटैचमेंट किन चीज़ों का होता है। तो ये जवाब तो आपको आना चाहिए क्योंकि ये चीज़ तो बार बार आती है और पूरा प्रत्याहार का चैप्टर इसके ऊपर ही था। तो जो अटैचमेंट किन चीज़ों का है, 2 चीज़ों का है, सेंसेस और सेंस ऑर्गन का, इंद्रिया और इंद्रिय अंग। तो जो इंद्रिय सेंस मतलब क्या है कि जो शक्ति, जैसे हम बार बार बात करते हैं ना कि भाई आँख है और आँख की शक्ति है, तो आँख हो गई, ये सेंस ऑर्गन हो गया, और सेंसेस जो है वो आँख अंदर जो शक्ति आ रही है देखने के लिए, जो दृष्टि की शक्ति है उसको सेंस कहते हैं। हमारा कहते हैं 5 इंद्रिय 5 सेंसेस। तो ये सेंसेस जो है वो दोनों अटैच हो जाते हैं, और ये अटैच होना नॉर्मल कोर्स में ज़रूरी है, क्योंकि अटैच होगा तभी वो चीज़ हम समझ पाएंगे। आँख से देखते हैं तो क्या देखा, अगर दृष्टि अंदर आती है तो ही हम देख पाएंगे कि सामने ये चीज़ है, तो नॉर्मल कोर्स में ज़रूरी है, पर योग के अंदर ये चीज़ हिंड्रेंस है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये अटैचमेंट के कारण ही हमारे अंदर विचार चालू रहते हैं। आप आँख बंद करके तो बैठे हैं, पर कोई आवाज़ आया, रास्ते पर से गाड़ी निकल रही उसका आवाज़ आया, तो कान और कान की जो सुनने की शक्ति है वो दोनों अटैच हो गए और इसके ऊपर से विचार चालू हो जाएंगे। तो 5 इंद्रिय से हमेशा अंदर विचार बनते रहते हैं। तो अगर ध्यान में गहराई में जाना है तो ये दोनों को अलग करना पड़ता है, उसको डिटैचमेंट कहते हैं, और वो प्रत्याहार की स्थिति में ये चीज़ बनती है। तो अटैचमेंट ये दोनों के बीच में है। व्हाट डू 7, 6, 5, 4 प्राणास डू इन द बॉडी, तो ये भी हम जब डिस्कोसिस 1 पढ़ते थे उसके अंदर जो ऑक्टेव की बात आई थी उसके अंदर ये बताया था कि ये जो अलग अलग प्राण है, जो लोअर प्राण है वो ये इस तरह के प्राण करते हैं, जैसे कि 4th नंबर का प्राण है वो सर्कुलेशन का काम करता है, फिर 5th नंबर का प्राण है वो डाइजेशन का काम करता है, 6th नंबर का प्राण है वो ब्रीदिंग का, फिर थिंकिंग का, ये सारे जो काम जो है वो प्राण अपने अपने ग्रेड से करते हैं, लोअर से हायर। तो ये डिस्कोर्सिस 1 में हमने देखा था। अब प्रश्न आता है, व्हाई आर वी ऑलवेज ड्रीमिंग, दैट इज व्हाई आर वी ऑलवेज इन द पास्ट और इन द फ्यूचर,
अब देखो अभी हम आप सुन रहे हैं, फिर भी आप या तो भूतकाल में चले जाओगे या भविष्य में चले जाओगे। सुनते हैं और दूसरी मोमेंट के अंदर हमें कुछ विचार आता है तो हम भूतकाल में चले जाते हैं और या तो भविष्य के विचार चले होता है। तो वो स्थिति को ड्रीमिंग कहा जाता है, जैसे कि डे ड्रीमिंग कहते हैं कि दिन में हम जैसे कि स्वप्न देख रहे हैं, उसको दिवा स्वप्न कहते हैं। तो ये डे ड्रीमिंग जो है वो क्यों होता है और विचार हमारा पास फ्यूचर में क्यों जाता है, कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसके द्वारा ये डे ड्रीमिंग अंदर हमारे अंदर होते रहते हैं? तो आपको क्या याद आ रहा है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का चैप्टर था ना इनर डिसिप्लिन के अंदर, पहला ही चैप्टर। ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट के कारण ही ये हमारा जो है दिमाग भटकता रहता है ड्रीमिंग की स्थिति के अंदर, क्योंकि एक एक विषय से दूसरा विषय, दूसरा विषय से तीसरा विषय, इस तरह अलग अलग विषयों के ऊपर हमारा जो है मन मस्तिष्क भटकता रहता है और वो उसका कारण है ड्रिफ्ट। अब इसके आगे जो है वो व्हाट इज द स्टेट ऑफ वेकफुलनेस, वेकफुलनेस माने जागृति। तो जागृति की स्थिति के कौन सी है, इसमें क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि जागृति की स्थिति होगी तो ये डे ड्रीमिंग नहीं होगा, ब्रूडिंग नहीं होगा। तो ये जब नहीं होते डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग वगैरह तो वेकफुलनेस की स्थिति है। और हमने एक पेपर के अंदर लास्ट टाइम देखा था, उसके अंदर तावरिया जी ये वेकफुलनेस या अवेयरनेस के बारे में एक शब्द यूज करते थे, अवेयरनेस विथ कंटेंट एंड अवेयरनेस विदाउट कंटेंट। तो 3B की स्थिति के लिए जो ऑल नोइंग की स्थिति है उसके लिए अवेयरनेस विदाउट कंटेंट, ये आपको याद होगा। तो यहाँ का भी जो वेकफुलनेस की स्थिति है, तो ये वेकफुलनेस की दो स्थिति हो सकती है। शुरुआत की स्थिति अवेयरनेस विथ कंटेंट होती है, सब्जेक्ट विषय होता है और उसके प्रति की हमारी जागृति, तो वो भी एक वेकफुलनेस की स्थिति है। और इससे आगे की ऊपर की स्थिति है अवेयरनेस विदाउट कंटेंट, वो भी वेकफुलनेस है। तो ये दोनों स्थिति कह सकते हैं। फिर प्रश्न है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन थॉट प्रोसेसेस, थॉट प्रोसेस जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ सम्मिलित होती है, कौन कौन सी चीज़ों से हमारी ये थॉट प्रोसेस बनती है? तो ये भी आपको ये उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये बार 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 ये चीज़ तो रिपीट होती है कि भाई विचार कैसे बनते हैं, कि पहले इनकमिंग इम्पल्स आया और फिर वो मेमोरी पैटर्न को मिला और फिर वो दोनों आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में गया तब विचार बना। तो ये 3 चीज़ों का थॉट प्रोसेस के अंदर होना जरूरी है। एक इनकमिंग इम्पल्स होना चाहिए, दूसरी उसे मुताबिक आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न होनी चाहिए, और तीसरा रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर जो चारों केंद्र है IESM, वो चारों केंद्र का होना भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ फाइनल जो है वो प्रोसेस विचार की कंप्लीट होती है, विचार वहाँ बनता है और फिर वो वहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया से पॉइंट नंबर 8 से बाहर निकलता है। तो ये आपको आना चाहिए। अब इसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, हाउ आर नेगेटिव थॉट पिक्चर्स फॉर्म। तो ये भी लास्ट मीटिंग में हमने देखा था और अभी मैंने जवाब दिया उसके अंदर ही, ऊपर वाला जो जवाब दिया उसके अंदर ही इसका भी जवाब आता है। तो आप सोचिए कि ये नेगेटिव थॉट पिक्चर कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, और फिर वो पॉजिटिव थॉट पिक्चर कहाँ बनते हैं, डेवलप कहाँ होते हैं। तो अभी जैसे बताया था इस तरह इनकमिंग इम्पल्स जब अंदर आता है और वो मेमोरी पैटर्न को मिलता है और वो जो जो जगह जो है वो उसको तालुका कहते हैं, या 3A की स्थिति जहाँ मेमोरी है, तो वो जगह भी ऊपर दोनों जब मिलते हैं, इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न मिलते हैं, तब जाके ये जो है नेगेटिव डेवलप होती है। और ये नेगेटिव जो है इसमें वो नेगेटिव यहाँ बन गई, अब इसको डेवलप करने के लिए दूसरा प्रश्न जो है ना कि भाई हाउ आर नेगेटिव थॉट पिक्चर्स डेवलप,
तो डेवलप कब होती है कि ये जो दोनों जब रजिस्ट्रेशन एरिया के पास जाते हैं, IESM केंद्रों के पास जाते हैं और वहाँ जब विचार बनता है तब ये पूरे डेवलप हो चुकी है, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं या फिर हम जिसको रियल फोटोग्राफ कहते हैं इस तरह का। तो ये दो प्रक्रिया इस तरह की है, इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी पैटर्न, जो दोनों मिलते हैं तो वहाँ पीछे के हिस्से के अंदर ये नेगेटिव डेवलप होती है और यही इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न जब आगे आते हैं रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर तब ये चीज़ जो है वो पूरा विचार बन जाती है, मतलब नेगेटिव डेवलप हो जाती है। हाउ कैन वन डिस्ट्रॉय ए नेगेटिव थॉट पिक्चर, तो ये इसमें भी ये भी लास्ट मीटिंग के अंदर आया ही था, जिसमें तवारिया जी ने बताया था कि भाई नेगेटिव जब थॉट पिक्चर बना है तो यहाँ एक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अभी मेमोरी बनी नहीं है उसकी, जब विचार बनता है उसके बाद में इसकी मेमोरी बन जाती है। जब एक कुछ चीज़ हमने देखते हैं या सुनते हैं और इसका विचार बन गया तो फिर वे विचार के साथ में उसकी मेमोरी भी बन जाती है। एक व्यक्ति को देखते हैं तो उसके बाद में वो व्यक्ति की मेमोरी बन जाती है कि ये सो एंड सो पर्सन, तो इस तरह की मेमोरी बन गई। पर कब वो IESM केंद्रों के ऊपर मेमोरी बनती है, उससे पहले जो यहाँ वो पीछे के हिस्से में है, यहाँ अभी खाली इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न दोनों ही खाली इकट्ठे हुए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो खाली नेगेटिव थॉट पिक्चर ही बनी है और वहाँ उसको निस्त्रोय करना पॉसिबल है। और उसके लिए तावड़िया जी ने क्या कहा था, पोज। अगर हम यहाँ वहाँ पोज करते हैं, वहाँ हम इसको आगे नहीं जाने देते हैं, पोज करते हैं, तो फिर ये नेगेटिव जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उससे फिर आगे मेमोरी बनने वाली नहीं है। ये सब लास्ट मीटिंग के अंदर ही, दो तीन मीटिंग के अंदर हमने सब पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ द ब्रेन, तो जो हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ब्रेन में होती है और इसके लिए ब्रेन के दो हिस्से काम करते हैं, जिसको तावड़िया जी कंप्यूटर कहते हैं कि एक पीछे वाला हिस्सा जहाँ इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न मिलते हैं, तो एक हिस्सा वो है जो जिसको ब्रेन थ्री कहते हैं, और दूसरा एक आगे वाला हिस्सा जिसको ब्रेन वन कहते हैं, कि जहाँ ये पूरी प्रोसेस खत्म होती है। तो ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जो चित्र की जो विचार की प्रक्रिया है, ये दोनों के बिना विचार संभव ही नहीं है। इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है पर मेमोरी पैटर्न को नहीं मिलता है और आगे नहीं जाता है तो विचार बनेगा नहीं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो दोनों का रोल थिंकिंग ऑफ प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के अंदर बहुत गहरा है, उसके बिना थिंकिंग हो नहीं सकती। और दूसरी तरह कहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई चीत अंदर, UDM अंदर आया, उसकी प्रेजेंस के अंदर ही ये दोनों कंप्यूटर काम करते हैं। कंप्यूटर तो ये दोनों पड़े हैं पर वैसे काम नहीं करेंगे, जब तक अंदर UDM अंदर नहीं आता है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर नहीं आता है, तब तक वो होता नहीं है। Should this and or can this be destroyed with what result? अब ये तो हमने पहले देखा कि भाई ये जो पूरी प्रोसेस बनती है उसके अंदर अगर ये प्रोसेस ब्रेन के पिछले हिस्से के अंदर रुक जाती है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। अभी हमने ऊपर देखा कि ये इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न मिले वहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ तक में इसको डिस्ट्रॉय करना है तो पॉसिबल है, उसके बाद में जो है वो जब विचार बन जाता है तो फिर ये इसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका रिजल्ट तो यही है कि अगर हम इनकमिंग इम्पल्स को तालुका के अंदर प्रविष्ट होने नहीं देते हैं तो फिर ये स्थिति जो है वो ऐसी स्थिति बनेगी कि जहाँ ये
इस तरह की मेमोरी डेवलप नहीं होगी। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल डिवाइन माइंड? अब ये तो सिंपल सवाल है, आपको याद आना चाहिए इसका जवाब। ऑल नोइंगनेस है ना, जो यूडीएम का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है, उसके अंदर के सर्वज्ञता का जो गुण है वही यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है। तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के अंदर ऑल नोइंगनेस जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर प्रश्न है, व्हाट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ब्रेन एंड दैट ऑफ द माइंड? तो ये भी हमने शुरुआत में देखा, उसके अंदर इसका जवाब आ जाता है कि नेचुरल स्टेट ऑफ ब्रेन और माइंड का क्या है, अन इन्वॉल्वमेंट की स्थिति, जहाँ दोनों अटैच नहीं होते, दोनों चिपके नहीं हैं, ऐसी स्थिति जो है वो नेचुरल स्टेट है। जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो अननेचुरल स्टेट बन जाता है। हाउ डज डायग्राम 3 डिफर फ्रॉम 1, 2 एंड 3? ए तो ये 3B ये पहले के तीनों से किस तरह डिफर है, तो उसके लिए क्या है जवाब, आपको ध्यान में आना चाहिए। ये इनकमिंग इम्पल्स रिलेटेड है, अगर आप सोचो तो कि 3B में इनकमिंग इम्पल्स कैसा होता है और 1, 2, 3 A में कैसा होता है, ये उसका जवाब है। मतलब कि 1, 2 और 3 A के अंदर इनकमिंग इम्पल्स तालुका के अंदर प्रवेश कर लेता है, जबकि 3B के अंदर वो तालुका के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो ये इसको जो फिर से ये अवेयरनेस विथ कंटेंट और विदाउट कंटेंट भी कह सकते हैं, उसके अंदर के 3A में अवेयरनेस विथ कंटेंट की स्थिति है और 3B में विदाउट कंटेंट की स्थिति है। और एक प्रश्न है, दिस 25th मीटिंग्स व्हाट हैव यू गैदर्ड फ्रॉम देम? अब ये 25 मीटिंग के अंदर क्या आप समझे और कौन से टॉपिक, कम से कम टॉपिक तो याद आने चाहिए आपको कि क्या क्या आपने समझा उसके अंदर। तो अगर आपको याद है तो पहली मीटिंग से चालू करके, पहली मीटिंग पोस्ट के ऊपर थी और पोस्ट के अंदर ही उन्होंने फिर आगे 2-3 मीटिंग ली थी, उसके बाद में आगे जाके फिर 7 प्रकार की एनर्जी की सेंसिटिवनेस के ऊपर और वो कॉटन का प्रयोग वगैरह, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने इनकमिंग इम्पल्स क्या है, मेमोरी पैटर्न क्या है, किस तरह विचार बनते हैं, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, रियल थिंकिंग प्रोसेस क्या है और जो अननेचुरल थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें ये हमने इस सब मीटिंगों के अंदर बहुत गहराई से देखा है और बहुत सारा इसके अलावा भी देखा है। और लास्ट मीटिंग के अंदर हमने प्राणयोग और मनोयोग के बारे में देखा है डिटेल के अंदर, खास करके मनोयोग के अंदर। तो ये सारा हमने 25 मीटिंगों के अंदर जो डिस्कोसिस 1 में देखे, ये सारा हमने इतना जिसको ज्ञान कहे या जिसको अंडरस्टैंडिंग कहे वो हमने पाया है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इनकमिंग इम्पल्सिस? तो ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई इनकमिंग इम्पल्स क्या है, क्योंकि हमने जिस वो सेंसेस और सेंस ऑर्गन की बात की थी तब यही बात थी कि जो पांचों इंद्रिय से जो चीज़ अंदर आती है उसको, शक्ति जो अंदर आती है उसको इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं। और तवरिया जी ने उसको डिफाइन भी किया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, इनकमिंग इम्पल्स को तवरिया जी क्या कहते हैं एक मीटिंग में उन्होंने बताया था, अभी अभी मुझे याद आया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी वो जो है वो इनकमिंग इम्पल्स है। इनकमिंग मतलब अंदर आने वाला और इम्पल्स मतलब एक स्पंदन, एक छोटा सा एक यूनिट है एकदम, वो अंदर आता है शक्ति के रूप में और फिर उसके द्वारा आगे विचार की प्रक्रिया बनती है। तो ये 11th अगस्त 1983 को इन्होंने ये क्वेश्चनर बनाए थे, और अगर ये आप इसको
ध्यान से इसका इसके जवाब देंगे तो आपको बहुत सारा याद आएगा और आप इसके ऊपर पूरा विचार करके, मतलब आपका एक रिवीजन हो जाएगा। इस तरह की ये जो क्वेश्चंस है उसका महत्व ये है कि आपका एक रिवीजन हो जाता है, तो इस तरह हमें देखना चाहिए। अब जो है वो क्वेश्चन आंसर उन्होंने एक बताए हैं दो पेज, उसको हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन आंसर में हकीकत में तो ये ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने उनको ये एक लेटर लिखा था और लेटर के अंदर कुछ प्रश्न उन्होंने डाले थे, उसका जवाब उन्होंने दिया है। तो कुछ दो लेटर्स है उसका ही यहाँ बात है। और ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ये कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, जितनी उसने जिस तरह की सवाल पूछे है। पर उसके साथ में ये भी पता चलता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसने इतना सारा पढ़ लिया है, ये पढ़ा वो पढ़ा, तो वो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको इसका किस तरह एप्लीकेशन किया जाए वो उसकी समझ में नहीं आता है। तो ये गड़बड़ हो जाती है कि जब हम हमारी इंटेलेक्चुअल भूख बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, तो समझ के बदले अनसमझ ज़्यादा डेवलप हो जाती है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ते हैं उसका कितना हम अमल कर सकते हैं, इसको कितना अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पढ़ते प्रश्न, क्वेश्चन। इट सीम्स अवर ब्रेन माइंड इनटू ब्रैकेट माइंड स्टफ फ्रैगमेंट्स ऑफ टोटालिटी ऑफ लाइफ एनर्जी इनटू ब्रैकेट कॉस्मिक माइंड एंड एनर्जी इनटू इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड सेक्स एनर्जीज फ्रॉम विच एराइजेस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीजेस। तो जो यहाँ इसका प्रश्न क्या है कि जो कॉस्मिक माइंड से जो एनर्जी टोटल एनर्जी हमारे अंदर आती है उसके उसका जो वो एनर्जी का कुछ हिस्सा जो फ्रेगमेंट होके हमारे ब्रेन और माइंड के अंदर आता है और वो फिर इसे चार ऊर्जा के अंदर वो फ्रेगमेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल ऊर्जा, इमोशनल ऊर्जा और सेक्स की ऊर्जा। और ये चारों ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा जब डेवलप होती है और तीनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, घर्षण शुरू हो जाता है और बाद में फिर डिसीजेस आते हैं। तो इसका प्रश्न की शुरुआत ये व्यक्ति इस तरह करते हैं कि तीनों केंद्र जो है उसके अंदर ही हमारी संवादिता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है और उसका कारण डिसीज आता है। एज यू से, मतलब ये कहता है कि तावरिया जी ने जो कहा है, इसलिए तावरिया जी को कहता है कि एज यू से दीज आर लोकेटेड इन द थ्री फंक्शनल पॉइंट्स इन द रजिस्ट्रेशन एरिया एंड आर ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस बाय द स्ट्रक्चर ऑफ थॉट। तो ये तीनों जो केंद्र है, ये तीनों ऊर्जा जो ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है कि रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर है, या जिसको हम कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं या जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, उस एरिया के अंदर ये तीनों जो है तीनों पॉइंट्स कहे, फंक्शनल पॉइंट जिसका कहा है यहाँ। तो फंक्शनल पॉइंट जो है वो या फंक्शनल सेंटर्स है वो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर है कि जिसके द्वारा वो स्ट्रक्चर ऑफ थॉट जहाँ बनता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने जाना कि इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न दोनों मिलते हैं और फिर स्ट्रक्चर ऑफ थॉट ये बनाते हैं और इसके द्वारा विचार कंप्लीट होता है। यू से अनलेस वी हैंडल दिस एरियाज देर इज नो होप। तो जब तक ये केंद्रों जो है और उसकी कामगिरी है उसको हम हैंडल नहीं करते हैं, हैंडल मतलब इसको संभालना, इसको जिस तरह वो अच्छी तरह किस तरह काम कर सकते हैं वो उसको हमें इसको हैंडल करना चाहिए। तब तक जब ये संवादिता में काम नहीं करते, हारमोनी में काम नहीं करते, तब तक कोई होप नहीं है, तब तक कोई आशा नहीं है। हाउ इज़ दिस हैंडलिंग ब्रॉट अबाउट। तो ये जानना चाहता है व्यक्ति कि ये किस तरह इसको संभाला जाए, ये तीनों केंद्रों की संवादिता किस तरह लाई जाए। इन अदर वर्ड्स, हाउ इज
दिस टोटल एनर्जी टू बी मेड अवेलेबल टू द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड इंटरपर्सनल हारमोनी। तो दूसरे अर्थों में हैंडलिंग का वो मतलब क्या कहता है कि जो ये अंदर जो टोटल एनर्जी आती है, कॉस्मिक एनर्जी जो अंदर आती है, हमारे बॉडी माइंड का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो एक जटिल तंत्र है बॉडी माइंड का, उसके अंदर जो आती है, इसका किस तरह उपयोग किया जाए ताकि हमारे अंदर अच्छी एक हेल्थ बने, हैप्पीनेस माने के सुख उत्पन्न हो, और इंटरपर्सनल हारमोनी अंदर एक संवादिता अंदर डेवलप हो। तो ये तीन चीज़, ये तीनों केंद्र अगर संवादिता में काम करते हैं तो बनती है, पर ये किस तरह हो पाएगा, ये पहला उसका प्रश्न है। अब यहाँ प्रश्न करने वाला रुकता नहीं है, उसने फिर आगे, क्योंकि लेटर लिखा होगा तो फिर लिखते जाता है। आगे कहता है, सेज पतंजलि योग सजेस्ट 3-point ब्रीदिंग एज ए पावरफुल टेक्निक टू ब्रिंग इन हार्मोनी एंड हेल्प मूव दिस एनर्जी। तो यहाँ उसको पता होगा कि ये 3-step रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में, यहाँ शायद शुरुआत में तावरिया जिसको 3-point ब्रीदिंग भी कहते होंगे, तो यहाँ 3-point ब्रीदिंग मतलब हम जिसको CSR भी कहते हैं वही चीज़ है। तो वो पतंजलि ने बताया है, क्योंकि तावरिया जी ने ऐसा कहा है, तो वो पावरफुल टेक्निक है। ये जो चारों केंद्रों है, तीनों केंद्रों है, उसको हारमोनी में लाने के लिए और एनर्जी को मूव करने के लिए ये जो है वो 3SR भी बहुत पावरफुल टेक्निक ये है, ऐसे ये व्यक्ति कहती है। आई एम प्रिपेयर टू गिव इट फुल स्कोप एंड थॉट, नॉट सक्सेसफुल एज येट, आई एम इंक्रीजिंग द टाइम स्पेंट नीडेड फॉर दिस प्रैक्टिस। उसको लगता है कि भाई ये 3-step जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ये हारमोनी अंदर डेवलप हो जाए। वो फुल स्कोप देना चाहता है, उसको एक मौका देना चाहता है कि भाई ये भी करके देख ले चलो कि भाई इससे क्या होता है, हमारे अंदर कुछ बैलेंस हारमोनी आती है कि नहीं। बट श्योरली अटेंशन इनटू ब्रैकेट अवेयरनेस परसेप्शन वॉचफुलनेस एट्सेट्रा मस्ट हैव अ रोल टू प्ले एज वी आर सपोज टू बी कॉन्शियस बीइंग। तो यहाँ फिर वो कहता है कि जो अटेंशन माने कि अंदर जो अवधान या उसका अटेंशन का दूसरा पर्याय उसने अवेयरनेस परसेप्शन और वॉचफुलनेस भी बताया कि अंदर जो जागृति आती है या हमारे अंदर एक जो दर्शन की स्थिति बनती है वो स्थिति को वो अटेंशन कहते हैं, और उसका भी एक रोल हमारे अंदर है, मतलब कि हमारा अटेंशन कैसा है, कितना अच्छा है, इसके ऊपर भी कुछ बहुत कुछ उसका आधार रहता होगा। और क्योंकि हम कॉन्शियस बीइंग है इसलिए ये हमारे अंदर अटेंशन या अवेयरनेस जो है वो उसका हम उपयोग कर सकते हैं, और वो जो अंदर आता है अवेयरनेस अटेंशन, इसको हम ज़्यादा डेवलप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो व्यक्ति मानता है। यू योरसेल्फ इन योर 3rd मीटिंग अपीयर टू स्टेट दैट इफ वी गिव अटेंशन एंड डिले ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन इट सेट्स अस ऑन द पाथ ऑफ करेक्ट थिंकिंग। तो ये तावरिया जी ने 3rd मीटिंग के अंदर ये सेंटेंस लिखा है, यहाँ उसने ये कोट किया है कि अगर हम जो विचार की प्रक्रिया जो होती है, और खास करके वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन की विचार की प्रक्रिया है, उसको डिले करते हैं, वहाँ अटेंशन देते हैं और उसको डिले करते हैं, उसका थोड़ा विलंब करते हैं, या कहे कि उसके वहाँ एक पोज डालते हैं, हम जब डिले मतलब पोज, वहाँ हम पोज डालते हैं, तो फिर वो करेक्ट थिंकिंग हो सकता है, ऐसा तावरिया जी ने कहा है, ये यहाँ उसने बताया। मैनी अदर्स हैव सजेस्टेड अनबायस अटेंशन टू मेक टोटल एनर्जी मूव थ्रू अस। तो कई लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, वो भी यहाँ ये बताता है, उसमें कहा है अनबायस अटेंशन मतलब कि तटस्थ अवधान, कि अटेंशन जो है वो बंद नहीं जाना चाहिए, वो तटस्थ रहना चाहिए, और इस तरह जो एनर्जी हमारे अंदर आती है उसका हम पूरा उपयोग कर सके, ऐसा किसी का बात को यहाँ उसने ये की है। जे कृष्णमूर्ति स्टेट्स इन हिज कॉमेंट्रीज ऑन लिविंग
दैट वेयर देर इज अटेंशन रियलिटी इज। अब यहाँ जे कृष्णमूर्ति का भी रेफरेंस वो लेता है और उनकी जो कॉमेंट्री ऑन लिविंग जो तीन पार्टों के अंदर है उसका अंदर का एक कोटेशन बताता है कि वेयर देर इज अटेंशन रियलिटी इज, मतलब जहाँ आप अटेंशन डालोगे वहाँ ही ये वास्तविकता या जो रियलिटी है, वास्तविकता है या सत्ता जिसको कहें, वो हमारे वो वही हैं। तो अटेंशन को यहाँ ये जे कृष्णमूर्ति ने बहुत ऊंचा ग्रेड में अटेंशन शब्द का यूज़ किया है कि अगर रियल अटेंशन डेवलप होता है तो वो रियलिटी को जो है, जो रियलिटी मतलब जो जैसा है इस तरह का जो दिखाई देता है वो रियलिटी को देख पाएगा, बायस माइंड से नहीं। हम जो नॉर्मली देखते हैं तो बायस माइंड से देखते हैं, रियलिटी को नहीं देखते हैं, पर हमारा विचार द्वारा हम देखते हैं, तो विचार के अंदर जो चीज़ होगा इसी तरह देखेगा। एक व्यक्ति को हम देखते हैं, अगर हमारे विचार के अंदर ये व्यक्ति कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है तो वो विचार के कारण हमें अच्छा व्यक्ति नहीं लगेगा। तो जैसा हम अटेंशन डालते इस तरह हमें ये चीज़ों का बोध होता है। पर अगर सही अटेंशन है तो हम सही में, सही अटेंशन मतलब कि जिसके अंदर कोई विचार नहीं है, कोई बायस माइंड नहीं है, इस तरह का अगर हम अटेंशन पे करते हैं तो हमें रियलिटी जो है उसका वास्तविक रूप दिखाई देगा। दादाजी, दादाजी मतलब ये दादा गावन करके यहाँ सतारा में हो गए और उनका भी टीचिंग जे कृष्णमूर्ति के जैसा ही था, उनका भी माइंड योगा ही था पूरा, और सतारा के अंदर उनका एक आश्रम भी बना हुआ है। वो तो अभी नहीं है, 2012 में एक्सपायर वो हो गए हैं, पर उनका आश्रम है। तो उनका भी कोई कोटेशन यहाँ इसने लिया है, दादाजी हु क्लेम्स टू हैव एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड हिम सेज यू स्टार्ट द फ्लो ऑफ टोटल एनर्जी व्हेन यू बिगिन टू सी और परसीव विद इन योर सेल्फ हाउ दिस एनर्जी इज फ्रेगमेंटेड इंटू इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड सेक्स पैटर्न्स कॉट इन द नेट ऑफ थॉट। तो ये जो दादाजी को उसने जो पढ़ा होगा उसके द्वारा उसको जो ये जो समझ में आया है कि ये जो एनर्जी अंदर आती है वो किस तरह हमारे ये चारों तीनों केंद्रों के अंदर फ्रेगमेंट होती है, चारों एक एनर्जी जो डिवाइड हो जाती है तीनों केंद्रों के अंदर, उसका जो नेट ऑफ थॉट इसकी विचार की जाल है इसको अगर आप देखोगे तो आप जो ये एनर्जी का जो फ्लो है उसको ही शुरुआत कर पाओगे। तो एनर्जी अंदर आती है पर वो फ्रेगमेंट हो जाती है, अगर हमारे ध्यान में आता है तो वो टोटल एनर्जी का आप फिर राइट यूज़ कर पाओगे। और व्यक्ति थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा तो अभी ये साइंस की बात कर रहा है। मॉडर्न कॉन्शियसनेस लेबोरेटरीज रिवील टू ब्रैकेट डॉक्टर बारबरा ब्राउन दैट सिंस वी हैव नॉट डेवलप प्रो प्रियोसेप्टिव एबिलिटी टू परसीव इनवर्ल्ड कंडीशन बायोफीडबैक गिव्स अस ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम। तो ये कोई कॉन्शियसनेस ऊपर काम करने वाले कोई ग्रुप होगा और उसमें एक डॉक्टर बारबरा ब्राउन करके है, वो ऐसा कुछ बताते हैं कि हमारे अंदर जो ये देखने की क्षमता जो विकसित नहीं की गई है, वो जो जैविक प्रक्रिया, ये जो बायोफीडबैक की बात करते हैं ना, वो जो जैविक प्रक्रिया है वो इसके ऊपर इसका असर होती है। ऑडियो विजुअल मतलब कि देखने सुनने की जो हमारी क्षमता है उसके ऊपर इसकी असर होती है, क्योंकि हमने वो जो चीज़ अंदर डेवलप होनी चाहिए, जो विकसित होनी चाहिए वो विकसित नहीं किया है हमने हमारे अंदर परसीव करने की इनवर्ड कंडीशन।
हमारे अंदर ऐसी स्थिति नहीं बनी है, इसके द्वारा हम ये बायोफिट ऑडियो विजुअल की बायोफिट के ऊपर हम आधार करते हैं। तो बायोफीडबैक फीडबैक क्या होता है, तो कुछ समय से ये बायोफीडबैक फीडबैक का एक ये चल रहा है। उसके अंदर नॉर्मली बायोफीडबैक फीडबैक का तो अर्थ ये होता है कि जो बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर वॉलंटरी कंट्रोल आता है, वो वॉलंटरी कंट्रोल को बायोफीडबैक कहते हैं। तो ये बायोफीडबैक यहाँ तो बायोफीडबैक का कारण है कि भाई उसके अंदर वो वॉलंटरी कंट्रोल ऑडियो विजुअल के ऊपर आ जाता है, तो व्यक्ति इसके द्वारा सब कुछ कामकाज कर सकता है, जी सकता है, पर वो अंदर इनवर्ड कंडीशन उसकी अभी डेवलप हुई नहीं है। माय एरिया ऑफ कंफ्यूजन इज हाउ कैन इनडायरेक्ट और सिंबॉलिक फीडबैक हेल्प। तो उसका प्रश्न ये है और या उसके अंदर एक कंफ्यूजन चल रहा है, ये है कि जो ये सिंबॉलिक फीडबैक जो होता है, सिंबॉलिक मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ का चीज़ को हम सोचते हैं, याद करते हैं और फिर उसका जो फीडबैक लेते हैं, जैसे इसने आगे ये पॉइंट क्लियर किया है, हाउ कैन ए विजुअल पिक्चर ऑफ वाटर क्वेंच थर्स्ट। तो अगर कोई व्यक्ति पानी का विचार करता है और उसे प्यास लगी है, तो खाली पानी का पिक्चर विजुअलाइज करने से उसकी प्यास तो बुझेगी नहीं। तो वो जो सिंबॉलिक फीडबैक की वो बात कर रहा है, तो ये इस तरह का जो विजुअलाइज जो कोई करता है कुछ चीज़ों का, तो ये प्रश्न तो ये विजुअलाइजेशन को एक हकीकत में बहुत अलग चीज़ है, पर यहाँ एक उसने दूसरे रूप में लिया है। एंड येट ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेटिस्टिकल डेटा दे क्लेम दैट 90% ऑफ पेशेंट्स आर एबल टू कंट्रोल लॉन्ग स्टैंडिंग मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस, लाइफ लॉन्ग माइग्रेन, हेडेक एट्रेसा, हेंस आई हैव टू एरियाज वेयर आई सीक गाइडेंस। तो यहाँ जो क्योंकि जो ये बायोफीडबैक वाले इसके भी ग्रुप होते हैं और इसकी ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंटों के ऊपर भी काम करते हैं ये बायोफीडबैक वाले, कि जिसके अंदर ऐसा क्लेम किया जाता है कि 90% पेशेंटों के अंदर जो कुछ गड़बड़ी है, जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मसल्स का सिकुड़ना, तो वो ठीक हो जाता है, या कोई माइग्रेन जो ब्रेन का आधा हिस्सा दुखता है वो, या फिर हेडेक वगैरह, ये सब चीज़ें इस कुछ एक्सपेरिमेंट से ठीक होते हैं, वो ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं। तो यहाँ ये व्यक्ति दो पॉइंट के ऊपर मार्गदर्शन लेना चाहता है। तो तावरिया जी उसका जवाब देते हैं, देर आर 7 हायर एनर्जीज रिफर अवर अर्लियर नोट्स। तो ये तो उन्होंने डिस्कोसिस 1 में 7 एनर्जी की बात की है, वो हम जानते हैं कि सेंसिटिविटी का सेंसिटिविटी जो है वो फिर सेंसिटिवनेस बन जाती है, फिर इंट्यूशन, जीनियस वगैरह वगैरह जो है वो 7 प्रकार की ऊर्जा की उन्होंने बात की है। दीज एनर्जीज इधर आर एब्सेंट इन अवर बॉडी माइंड सिस्टम और आर कंटेमिनेटेड विथ अदर लोअर एनर्जीज और आर अनेबल टू फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द बॉडी माइंड सिस्टम बिकॉज ईच ऑफ द 72 कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इन इज एन ऑब्स्टिकल टू देयर फ्री फ्लो। अब यहाँ वो उसका कारण बताते हैं कि भाई ये ऊर्जा, जैसे उसका प्रश्न था ना कि भाई ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर आती है पर ये फ्रेगमेंट हो जाती है तीनों केंद्रों के अंदर, तो फिर आगे कुछ काम नहीं बनता है। तो यहाँ उन्होंने ये बात की है कि 7 प्रकार की ऊर्जा तो आती है हमारे अंदर, मतलब कि जो कॉस्मिक एनर्जी आती है वो उसका अलग अलग 7 स्वरूप है, और वो 7 स्वरूप में क्या है कि सामान्य रूप में तो जो लोग कोई साधना वगैरह नहीं करते हैं उसके अंदर उस वो एब्सेंट होती है, वो होती ही नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में होती है, और जो भी होती है वो भी फिर कंटिमिनेट हो जाती है, मतलब कि वो प्रदूषित हो जाती है।
तो ये जब ये प्रदूषित हो जाती है, अब उसका कारण वो बताते हैं कि हमारे अंदर 72 कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। तो अलग अलग 72 जैसे पॉइंट है या एरिया कहो या पॉइंट कहो, क्योंकि एक जगह पर वो कहते हैं कि 72 पॉइंट्स हमारे बॉडी के अंदर है और 72 पॉइंट्स हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर भी है। तो और पर दोनों का जो इंटरेक्ट होना चाहिए, ये दोनों एस्ट्रल और फिजिकल के पॉइंट्स का, वो नहीं होता है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट जन्मता है। तो यहाँ इसलिए उन्होंने ये 72 कॉन्फ्लिक्ट एरिया बताया है कि वो उसको रुकावट पैदा करता है, ये फ्री फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। ऑल्सो स्टडी द डायग्राम 1, 2, 3A, 3B एंड 3C फॉर इंटेलेक्चुअल एंड सेक्स एनर्जी एंड देयर रिफाइनमेंट, ऑल्सो रिफर 0.67 इन ईच डायग्राम। तो ये जो डायग्राम के दृष्टि से भी हम ये इसको समझ सकते हैं कि भाई ये जो ऊर्जा है, इंटेलेक्चुअल इमोशनल सेक्स की ऊर्जा, वो किस तरह धीरे धीरे रिफाइंड होती है और हमारा जो स्टेट बदलता रहता है। डायग्राम एक में से दो में से 3A, फिर 3B, 3C तक व्यक्ति पहुंच सकती है। तो ये एक ऊर्जा का ही एक प्रकार का रिफाइनमेंट, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, वो भी हम ये उनके डायग्राम से देख सकते हैं। और फिर पॉइंट नंबर 6 और 7 जो है वो आज्ञा चक्र का है, और 6 जो है, 7 से आज्ञा चक्र का है और 6 है वो विशुद्धि चक्र का है। तो ये भी रिफर करने के लिए तावरिया जी यहाँ बताते हैं। दिस हैंडलिंग विल स्लोली बी गिवन टू ऑल आवर फ्रेंड्स एज आई हैव मेंशन्ड इन माई रिप्लाई टू यू ऑफ 8 December। तो ये पत्र है, यहाँ कन्फर्म हो जाता है कि उन्होंने उनको 8 December को कुछ जवाब दिया था और ये बाद में उनका कुछ ये व्यक्ति का लेटर आया होगा। और ये जो हैंडलिंग किस तरह करना है वो बात वो कहते हैं कि ये सब मैं दूसरे मित्रों जो हैं उनको भी धीरे धीरे करके समझाऊंगा बताऊंगा। रिफरिंग टू योर लास्ट पैरा ऑन page 1, ऑल दैट यू से एंड ऑल दैट आई हैव मेंशन इन द नोट्स ऑफ द 3rd meeting ओनली अमाउंट्स टू हॉट वाटर बैग ट्रीटमेंट। इफ यू आर कन्विंस हॉट वाटर बैग इज ग्रेट डिलीवरर ऑफ ब्रेन। तो ये तीसरी मीटिंग के बारे में जो ऊपर व्यक्ति ने जो कोटेशन दिया था उसके, और फिर जो बात हुई थी कि भाई ये अलग अलग डिसीज होते हैं और ये इसको फीडबैक से ये करते हैं बायो फीडबैक से, तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा उपाय तो ये है कि अगर आप बिलीव करते हैं तो हॉट वाटर बैग जो है वो ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया है, कोई भी पेन है उसको आप हॉट वाटर बैग से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उससे आप बहुत आराम इससे आप पा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने वो बात तो छोड़ दी, उसके ऊपर ज़्यादा ये डिसीज़ के बारे में या वगैरह जो कहते थे उसको वहाँ उन्होंने यहाँ उड़ा दिया है और सिंपल एक उपाय बता दिया है। डज इट नॉट अमाउंट टू सेइंग दैट अवर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हु हैव ए फुल नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी, बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस ऑट टू बी इन गुड हेल्थ फॉर दे आर वेल प्लेस टू प्रैक्टिस अवेयरनेस, परसेप्शन एंड वॉचफुलनेस ऑफ देयर बॉडी कंडीशंस एंड स्टेट ऑफ इलनेस इन देयर ओन बॉडी माइंड सिस्टम, फर्दर एडेड बाई देयर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। अब यहाँ वो कहते हैं कि क्योंकि ये थोड़ी हेल्थ के बारे में बात आई है, तो पहली बात तो ये कहते हैं कि भाई ये जो आपको नहीं लगता है कि जो हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, जो मान्य चिकित्सक होते हैं, जिनको फिजियोलॉजी का, बायोलॉजी का और मेडिकल साइंस पूरा सब कुछ पता है, तो पहले तो उनको ही गुड हेल्थ के अंदर रहना चाहिए। तो ये भी हम देखा गया है कि भाई कई डॉक्टर होते हैं
वो अपने आप में इतने तंदुरुस्त नहीं होते हैं, और वो भी दवा खा के ही जीते हैं। ज़रूरत होती है तो दवा खा लेते हैं और मेंटेन करते हैं, पर अपने आप में नेचुरल कोर्स में वो लोग भी हेल्दी नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पहले तो उनको गुड हेल्थ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उन वो जो जगह पर बैठे हैं जो, और उसके अंदर जो जगह पर वो उनका जो ये अभ्यास है, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो लोग, ये मेडिकल प्रैक्टिस, तो उसके द्वारा वो अपने शरीर को और बहुत सारे पेशेंटों को अंदर वो देखेंगे, वो उसके अंदर के उनकी अवेयरनेस से वो उनको पता चलेगा कि उनके अंदर किस तरह डिसीज़ होते हैं या दूसरे लोगों के अंदर किस तरह डिसीज़ वगैरह आते हैं। तो ये कुछ सब कुछ वो इसका वो अभ्यास कर सकते हैं इस इन चीज़ों का। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों के पास तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट भी होते हैं, बहुत अच्छे प्रकार के। आजकल तो अभी ये तो 83 की बात थी, आज तो इतने 30-40 सालों के अंदर बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ गए हैं। तो इन सब का मदद लेके वो डायग्नाइज अच्छी तरह कर सकते हैं और अपना बॉडी माइंड में क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम, बट इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट मेडिकेशन अवेलेबल कुड नॉट हेल्प देमसेल्व फॉर द सिंपल रीजन दैट वी ऑल इंक्लूडिंग एवरी वन इन द वर्ल्ड नो नथिंग अबाउट द करेक्ट वे ऑफ मेंटेनिंग अवर बॉडी माइंड रिदम विच एलोन कैन कीप आउट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज विद इन द बॉडी माइंड सिस्टम। तो फिर यहाँ कहते हैं कि भाई ये मेडिकेशन ये सब इतना अवेलेबल है, फिर भी ये कुछ मदद रूप नहीं बन सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई गंभीर बीमारी आती है तो फिर कोई ट्रीटमेंट कोई वस्तु मदद करती नहीं है। और उसका सही कारण ये है कि दुनिया के अंदर जो सारे लोग हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने बॉडी माइंड की रिदम के मुताबिक जीता नहीं है और चलता नहीं है। तो बॉडी माइंड की जो रिदम है उसका लय है, उसके उसके मुताबिक जीना चाहिए। और इस तरह जीने से क्या होगा कि अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे बॉडी माइंड के अंदर वो भी अपने आप में खत्म हो जाएगा। दिस नॉलेज हैज़ बीन हैंडेड डाउन टू ए फ्यू, ए वेरी फ्यू इन दिस वर्ल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड अवर साइंस विच इज स्टिल वेरी प्रिमिटिव इन स्पाइट ऑफ इट्स इमेंस स्ट्राइड्स विल हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम एंड लर्न ओवर ए लॉन्ग वेटिंग पीरियड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स। टिल देन साइंस एंड मेडिसिन विल कीप ऑन अराइविंग एट सो कॉल्ड सोल्यूशंस एंड डिक्लेयर देम रॉन्ग लेटर। तो यहाँ ये जो अध्यात्म में या जैसे कि भाई योग के अंदर या योग का नॉलेज के बारे में जो तावड़िया जी खास करके कहते थे कि ये जो ज्ञान है अध्यात्म का ज्ञान है वो गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा वर्ड बाय माउथ दिया जाता था, और बहुत कम लोगों को, ए वेरी फ्यू पर्सन्स इन द वर्ल्ड, बहुत कम लोगों को ये गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान दिया जाता है उसके वो जो ज्ञान था उसके सामने तो ये जो अभी मेडिकल साइंस का जो ज्ञान है वो बहुत प्रिमिटिव है एकदम, वो जैसे कि आदिकाल का हो जितना पुराना ज्ञान हो इस तरह का है। और साइंस ने इतनी इमेंस प्रगति की है उसके बावजूद भी जो योगा का ज्ञान है या अध्यात्म का ज्ञान है या अध्यात्म के अंदर शरीर विज्ञान मनोविज्ञान वगैरह की जो गहराई है वो तो साइंस अभी उसके बारे में तो कुछ जानता समझता ही नहीं है, और उसको बहुत 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 लंबे समय तक उसको वेट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि साइंस के पास जो एक मेथड है वो ट्रायल एंड एरर की मेथड है, वो साइंस साइंस के पास दृष्टि नहीं है। योगी होता है उसके पास दृष्टि होती है तो वो एक समझ लेता है, साइंस तो वो ट्रायल एंड एरर की मेथड के ऊपर चलेगा, गलती करेगा फिर सुधारेगा आगे बढ़ेगा, गलती करेगा सुधारेगा आगे बढ़ेगा। तो इस तरह साइंस आगे बढ़ता है और इस तरह वो कोई सॉल्यूशंस के ऊपर आता है, उसका जो समस्या का निवारण ये इस तरह करता है।
और फिर आगे जाके कह देता है कि नहीं ये सही नहीं था, अब सही ये है। साइंस जो है हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, साइंस कोई निष्कर्ष के ऊपर नहीं होता है। पर इसके लिए एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम जो साइंस ने कहा उसको फाइनल अथॉरिटी के रूप में मान लेते हैं। हम कोट भी करते हैं ना कि साइंस कह रहा है आज ये सो एंड सो करके, जैसे कि साइंस कह रहा है वो फाइनल अथॉरिटी है और वो जो उसने कहा वो अभी बदलने वाला ही नहीं है। पर साइंस की हर सर्च के सामने दूसरी सर्च आ जाती है और उसको ही गलत बताती है। जैसे डार्विन ने ये जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रिंसिपल बताया तो दूसरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको गलत बताया। तो ये एक प्रॉब्लम साइंस की जब हम फॉलो करते तो रहती है, क्योंकि साइंस के पास ऐसा दूर का विजन नहीं है, वो ट्रायल एंड एरर से चलता रहता है। यू आर कोटिंग टू मी सम सच सॉल्यूशंस ऑफ साइंस विच साइंस विल सून डिक्लेयर एज रॉन्ग लेटर एंड विल कम आउट विथ ए न्यू थियरी। तो साइंस तो यही करेगा, आज हम किसी को बताते हैं देखो साइंस ने ऐसा कहा है, पर साइंस खुद ही कल बताएगा कि नहीं नहीं जो हम कह रहे हैं वो तो गलत था, सही बात तो ये है। तो इस तरह हम साइंस के ऊपर फाइनल भरोसा रख के नहीं चल सकते हैं। यहाँ ये प्रश्न का उत्तर था और जी ने ख़त्म किया। ये प्रश्न इतना लंबा था कि उसके अंदर तो बहुत सारे कोटेशन देके उसने इतना लंबा कर दिया था। तो ये प्रॉब्लम होता है कि कई बार तो प्रश्न लंबा होता है और आंसर कम होता है, छोटा होता है। पर ये जब इंटेलेक्चुअल माइंड काम करता है तो इस तरह ही काम करता है। यहाँ समय हो गया है इसलिए रुकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम लेंगे और बाकी का जो है वो आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलिए रुकते हैं, थैंक यू। थैंक यू दादा साहब, थैंक यू थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।